वेलकम टू माय चैनल अर्चनाज आरटी हम। जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैंने कृष्ण जी की मार्बल का विग्रह है मेरे पास करीब 10 इंच या 1 फिट के आसपास, तो उसके लिए पजामा बना रही हूँ। तो उसमें मैंने वूलन बना रही हूँ, तो उसमें मैंने वेस्ट के हिसाब से 50 चेन डाली है। आप अगर बनाते हैं तो जो भी है तो वेस्ट आप इंच टेप से नाप लें और चेन बना के उसको नाप लें। इस तरह से मेज़रमेंट करके बना सकते हैं। तो उसको ये बनाने के बाद आप इसको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। ये बहुत सुंदर और कुछ नए तरीके से बना के तैयार किया है। मैंने पहले राधा रानी का भी पूरा बनाया था, तो उसी के सेट के हिसाब से ये कृष्ण जी का पजामा बनाया है मैंने। तो ये पूरी चेन देखिए इस तरह से बनके तैयार हुई है। अब इन्हीं चेन में मैं ट्रेबल ले लूँगी और इसको एक चेन में ट्रेबल कर करके पूरी चेन को ट्रेबल से फिल कर देंगे। एक एक पर चेन पर ट्रेबल बनाते हुए पूरा लंबा बना के तैयार हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जैसे वो पूरा बन के तैयार होगा, तो जैसे पजामा है तो वेस्ट से बना रहे हैं, तो उसको जब जहाँ तक ऊपर का पोर्शन है वेस्ट से लेके नीचे तक, तो वहाँ पर पूरा उसको ये देखिए इसको ट्रिबल से पूरा भर देंगे। तो उसको मैं एक पोर्शन में पूरा बनाना है, तो इसी तरह से ट्रिबल से पूरा भरूँगी और फिर इसी से मैं 7 लाइन पूरी, ये मैंने डबल ऊन लिया है, ऊन जो डबल थ्रेड मतलब, तो उसको उसी से बना रही हूँ। तो ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, तो मैं उसमें इसकी 6 लाइन बनाऊँगी। तो आप इसी तरह से पूरा देखिए 6 नहीं 7 बना के तैयार करूँगी। 7 लाइन बनाऊँगी मैं, जैसे लेंथ के लिए चाहिए, जहाँ से फिर उसके बाद जहाँ दोनों पैर अलग होते हैं थाइस से, फिर उनको 2 पोर्शन में अलग अलग बनाएंगे। उससे पहले इसको एक जैसा एक पोर्शन पूरा बनाएंगे। तो ये पूरा बनने के बाद बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि ये देखिए बन के तैयार हो रही पोर्शन, फिर मैंने ये देखिए 7 लाइन बनाई है। अब ये ग्रीन कलर मैंने इसमें ज्वाइन करूँगी और यहाँ से ये 2 पोर्शन में बनेगा। अलग अलग दोनों पैर के हिसाब से आएगा। तो इसमें मैं पहले 4 ट्रिबल लूँगी और फिर उसके बाद चेन, देखिए 4 ट्रिबल हुए, फिर मैं 8-8 चेन बनाऊँगी, 8-8 चेन के लूप्स बनाऊँगी और जो हर तीसरे ट्रिबल में उसको लगाऊँगी। तो इस तरह से मेरे 5 लूप बन के तैयार होंगे और आधा बिल्कुल आधा पोर्शन करके, या तो चाहे आप काउंट कर लें, चाहे आप फोल्ड करके उसको आधे में निशान कर लें कुछ भी, तो उस वहाँ तक इसको पूरा बनाना है। और लास्ट में फिर उसके पहले 4 ट्रिबल बनाने हैं, फिर 8-8 चेन के 5 लूप्स बना के हर तीसरे ट्रिबल में लगाऊँगी और उसके बाद फिर लास्ट में फिर 4 ट्रिबल लेने हैं मुझे, और फिर आधे पोर्शन तक पूरा करना, बाकी आधा पोर्शन छोड़ देना है। फिर दूसरा राउंड जो होगा तो उसमें शुरू में 4 लूप लेंगे, फिर उसको जहाँ बीच से उठा के बीच के ऊपर, फिर उसके ऊपर बीच के ऊपर इस तरह से करना है। पहले आधा लूप ले लेंगे, फिर उसके बाद 4 चेन का लूप लूँगी। इसको मैं एक जैसे 8 चेन बनाई है, उसमें 4 चेन पे स्लिप स्टिच उसको 8 चेन वाले केबल को जोड़ दूँगी लाइन को, फिर तो एक के ऊपर एक इस तरह से मुझे अल्टरनेट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आधे में कर लिया है मैंने। अब ये पूरा यहाँ आधे तक बना के फिर उसके बाद तो जो ये जो लूप वाली ही लाइन में मैं कम से कम 5 लाइन तक सीधा इसी तरह से बनाती जाऊंगी। और बस ये है कि जैसे अब सेकंड लाइन से शुरू करूंगी तो जहाँ लूप का सेंटर आता है, जैसे 8 चेन लिए हैं तो 4 चेन में बीच में मैं
बीच में यहाँ से शुरू से आधा लूप लूँगी चार चेन के साथ, फिर उसके बाद दूसरा जो लूप है उसके चार चेन में उसको जाके ये देखिए चार ट्रिपल लेके घूम गया पूरा। तो इसको मैं फिर इसी तरह से देखिए आप लूप बनाते जाऊँगी, पूरा पांच लाइन मुझे पूरी इसी तरह से बनानी है, दोनों तरफ चार चार ट्रिपल और बीच में जो पहले फुल लूप है। तो अब देखिए ये देखिए साफ साफ इस तरह से एक करीब करीब थाई के नीचे से यहाँ से यहाँ से लेके और इवन नीचे काफ तक पूरा एड़ी तक से थोड़ा सा ऊपर तक बस वहाँ तक पूरा इसका एक नेट जैसा बन जाएगा। ये देखिए बीच में सेंटर में जहाँ चार के हैं बीच सेंटर लेके वहाँ पर स्लिप स्टिच से इस लूप को जोड़ दूँगी, फिर आठ चेन बनाऊँगी, फिर दूसरे लूप जो है उसके सेंटर में फिर ये देखिए सेंटर में लेके उसको जोड़ दूँगी। तो इसी तरह से पूरी मैं पांच लाइन पूरी इसी तरह से बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा जहाँ से नीचे घुटने के नीचे से जैसे थोड़ा सकरा होता है थोड़ा सा अपन इस हिसाब से बनाएं जैसे पैर का शेप होता है, तो इसलिए फिर नीचे उसको थोड़ा सा कम कर दूंगी। तो जैसे ट्रिबल हैं उतने ही रहेंगे, ये लूप्स हैं उनको थोड़ा कम कर दूँगी फिर धीरे धीरे साइड से, तो फिर लास्ट में जो पाँच तक ऐसे चलेगा फिर छः सात आठ तीन लाइन है उसमें मैं जैसे पांच थे फिर उनका तीन फिर दो वो लास्ट में एक लूप रह जाएगा। इस तरह से इसकी पूरी आठ लाइन ग्रीन से पूरी कर दूंगी मैं, तो वो पूरी बन के बहुत अच्छा नीचे शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरी पांच लाइन बनाई, फिर छः सात आठ तीन लाइन से बने उसको कम किया है वो पूरा बन के देखिए ये पूरा तैयार हो गया। लास्ट में बस एक लूप बचेगा, फिर येलो कलर लूँगी मैं और इधर से जो पूरे ट्रेबल हैं इधर से बीच के लूप के ऊपर भी कुछ लेके और इस तरह से मेरे पूरे 16 ट्रेबल बन जाएंगे। फिर उसके ऊपर एक राउंड और लूँगी तो बीच में बनते हुए तो 18 लूप बन जाएंगे, 18 सॉरी ट्रेबल रहेंगे। फिर लास्ट लाइन जो होगी ना उसमें मैं उसमें जो पूरा नीचे उसमें स्कैलप्स बनाऊँगी जो एक फिनिशिंग में अच्छा भी दिखेगा और नीचे पैर पे पंजे पे आएगा वो बिल्कुल, तो कृष्ण जी के जो पंजे पे लूप्स आएंगे इस तरह से बहुत सुंदर दिखेगा। तो क्योंकि एड़ी पे जो ऊपर का पोर्शन आएगा लूप्स बनेंगे तो थोड़ा फैलेगा वहाँ से वो, तो जो खुलता हुआ फैलता हुआ आएगा तो पंजे पे आएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। इसी तरह से ये देखिए ट्रिबल लिया है पूरा, इसके सेंटर में ले लिया, ये पूरे अभी आठ इधर हैं आठ इधर बनेंगे 16 रहेंगे पूरे पहली लाइन में। और फिर सेकंड लाइन में मैं इधर बीच में जो है उसको दो बढ़ा दूंगी तो 18 हो जाएंगे मेरे पास। और फिर स्कैलप्स पांच बनेंगे, मैं स्कैलप्स से बनाऊंगी शुरू में दूसरे में डाल के एक में पांच डबल ट्रिबल लूँगी। ये देखिए बन के तैयार हूँ 14 का, ये 16 है इसमें लास्ट में 16 हो गए, फिर दूसरा राउंड बनेगा वो 18 का बनेगा। फिर उसके बाद तो जो लूप्स जो स्कैलप्स लूँगी तो दूसरे में जैसे एक ही ट्रिबल में से पांच डबल ट्रिबल लेने हैं एक चेन में से जो नीचे ट्रिबल की चेन है जो एक ही जगह से, फिर उसके बाद उसको सेकंड ट्रिबल में नीचे बंद करूँगी स्लिप स्टिच से, उसके बाद फिर उसको सेकंड में लूँगी तो पांच ट्रिबल से, फिर उसके बाद जो दूसरा सेकंड होगा उसमें उसको बंद करेंगे स्लिप स्टिच लेके, फिर उसके बाद सेकंड से ऐसे करके मैं शुरू करूँगी। तो ऐसे करके मेरे 18 में पांच स्कैलप बन जाएंगे। पूरे पांच स्कैलप बन के तैयार रहेंगे, फिर उसमें जैसे कमर में बांधने के लिए सब जगह बांधने के लिए या तो आप मैं कुछ कई जगह या तो टच बटन भी लगा सकते हैं या फिर बांधने के लिए डोरी है, तो मैंने यही दोनों कलर की ऊन की लगी चेन स्टिच से डोरियाँ बनाई हैं तो और उसी से वो बांधने की जगह लगा दिया है। तो
पैर में कम से कम दो जगह तो बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मैंने लूज़ बनाए हैं, बहुत एकदम टाइट नहीं है, खींचता है। तो ये देखिए, ये पूरा पैर बन के तैयार हो गया। देखिए देखिए, आखिरी में एक लूप रह गया है, ये पूरा, ये स्कैलप्स बन गए हैं। ये देखिए, ये दोनों पैर तैयार हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें एक मेरा रहता है हमेशा लाइनिंग लगाई है मैंने, क्योंकि इतना चेन है तो पैर में तो खुला तो नहीं रहेगा, तो ये साटन की लाइनिंग लगाई है। इससे बहुत सुंदर लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान जी पहनते हैं तो उनको सॉफ्ट फील होता है, ऊन थोड़ा हार्ड मानी जाती है इसलिए उसको डायरेक्ट टच नहीं होता उनकी बॉडी पे, तो उसके लिए मैं इस तरह से करती हूँ। ये देखिए, काट के फिर मैं मशीन से सिल के उनको किनारे से मोड़ के और मशीन से सिलूँगी पूरा। ये देखिए, बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल दिया है मैंने, और बस मोड़ मोड़ के उसको पूरा उसमें दबा दूँगी पूरा का पूरा। ये देखिए, ऐसे मोड़ के ये इस तरह से पूरा हो गया। ये देखिए, डोरिया में मैंने पूरी चेन से बनाई है, तो इस तरह से पूरा देखिए पैर में बन जाएगा। ये इस तरह से पहन के मैं जब पूरा बन जाएगा ड्रेस तो पहना के दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैं बहुत सुंदर बन के तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।